मैं पीके श्रीवास्तव, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवसारी। मेरे को इस कॉलेज का चार्ज 1 जनवरी 2020 से मिला है। ये कॉलेज 1988 से इसकी कॉलेज की शुरुआत हुई और जो ये यूनिट है इसको पास्ट जो डीन्स रहे उन्होंने इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस यूनिट के अंतर्गत कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, पॉलिटेक्निक इन हॉर्टिकल्चर नवसारी में और पॉलिटेक्निक इन हॉर्टिकल्चर परिया, ये मेजर एजुकेशनल यूनिट्स जो है वो इस कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन जो इस यूनिट में के अंदर काम करता है। इस कॉलेज की 3 मेजर एक्टिविटीज हैं। पहला शिक्षण, संशोधन और एक्सटेंशन। शिक्षण में इस कॉलेज में करीब 550 छात्र शिक्षा पाते हैं और करीब जो यूजी के हैं अंडर ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में करीब 150 छात्र हर साल एडमिशन लेते हैं। इसमें गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों से भी हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं और विद्यार्थी लड़कियों की संख्या हमारे यूनिवर्सिटी में और इस कॉलेज में काफ़ी होती है क्योंकि ये एक बहुत ही सुरक्षित कैंपस है, तो इसको प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज। और अच्छा स्टाफ है जिसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, इन सब पे हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम होता है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो स्टूडेंट एमिनिटीज वो भी काफ़ी अच्छी हैं हमारे यूनिवर्सिटी में और हमारे कॉलेज के पास। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस क्षेत्र में जो नई समस्याएं आती हैं या जो जिसमें बेसिक रिसर्च करनी है, कोई क्रॉप अगर नई इंट्रोड्यूस हुई जैसे ड्रैगन फ्रूट, एक नई क्रॉप, नया फ्रूट जो हमारे की प्रधानमंत्री ने उस पर इम्पेटस दिया है और पिछले 2 सालों में इस पर काफ़ी हम लोग आगे बढ़े हैं। इस पर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, इस पर एंटोमोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन में क्या काम करना है, इसमें इरीगेशन में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की रिसर्च हमारे यहाँ चलती है डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज के द्वारा। और यहाँ के जो खेडूत हैं उनके से जो समस्याएं रहती है उसके उन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में भी इनपुट्स देते हैं और डायरेक्ट किसान हमको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे हम लोग उनकी फील्ड्स पे विजिट करते हैं, अपने साइंटिस्टों को भेजते हैं और उनकी समस्याओं का हल करते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ जो है शिक्षण, संशोधन और विस्तरण, ये 3 एक्टिविटीज़ इस कॉलेज में की जाती है। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अलका सिंह, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें 7 फैकल्टीज़ हैं, 7 यंग फैकल्टीज़ आर वर्किंग विद। और इसमें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में हम टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ तीनों कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमारे 90 स्टूडेंट्स एमएससी में पास हो चुके हैं और अराउंड 19 स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं। इसके साथ ही एवरी ईयर वी हैव अराउंड 15 स्टूडेंट्स हमारे पीजी प्रोग्राम में एनरोल होते हैं। और जब रिसर्च की बात करें तो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। एक है रिसर्च प्रोजेक्ट इन फ्लोरिकल्चर जो फार्म पे है, 4 हेक्टर्स ऑफ लैंड उसमें कवर होता है और बहुत सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिफरेंट क्रॉप्स में उस पर काम हो रहा है वहाँ पे। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ विद रिगार्ड टू रिसर्च और वो है सॉइलेस कल्टिवेशन पे, सॉइलेस कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो उस पर हम डिफरेंट क्रॉप्स जैसे कि एडेनियम है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सर्क्यूलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, इन पे मीडिया स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और साथ में ग्राफ्टिंग टेक्निक्स कैक्टस में, एडेनियम में, वो उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। दूसरा कैसे उसकी कैनोपी डेवलप हो उस पे काम चल रहा है। साथ ही में लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हुआ, फेनुग्रिक हुई, गार्लिक, इन सब क्रॉप्स पे भी मीडिया स्टैंडर्डाइजेशन का काम है। तो इस तरह का काम सॉइललेस कल्टीवेशन में चल रहा है। साथ में डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमने हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी लगाया हुआ है कि जिससे पता चले कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता क्या। तो इस तरह से एक एक्सटेंशन एक्टिविटी भी है और रिसर्च एक्टिविटी भी है। दूसरा, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ हाईटेक हॉर्टिकल्चर फॉर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स। इसमें क्या, हम स्टूडेंट्स को हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में कैसे वो उसको कैसे उसको उगाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसको मीडिया उसका रखना है, कैसे फर्टिलाइजिंग करना है, हाउ टू मैनेज द क्रॉप इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो उसमें रोज़ है, जरबेरा है, ऑर्किड है, क्रिसेंथेमम है, इन क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पूरा मीडिया स्टैंडर्डाइज करके पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोटोकॉल स्टूडेंट्स उसको पूरा हैंडल करते हैं एंड उसी के साथ वो करते करते सारी चीज़ें सीखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें भी हम 6 महीने स्टूडेंट को इसी में ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो फ्लोरिकल्चर में के सारे आस्पेक्ट्स को कवर कर सके। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे डिपार्टमेंट का, वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और ड्राई फ्लावर्स। अब इस पर भी हमारे यहाँ काफ़ी काम हुआ है डिफरेंट फ्लावर्स, क्योंकि फूल आप जानते ही हैं कि बहुत ही हाईली पेरिशेबल इन नेचर है, तो उन फूल को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए कि उसकी लाइफ, वेज लाइफ अच्छी रहे, तो उस पर भी काम अच्छा किया हुआ है। और ड्राई फ्लावर्स मतलब कि फूल को ऐसे सुखाया जाए कि उसकी जो लाइफ है वो महीनों तक, साल तक भी सुंदर से सुंदर रहे, तो उस तरह के काम भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये है अबाउट फ्लोरिकल्चर, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ओवरऑल एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में।